अगर जिंदगी का दूसरा नाम इम्तिहान है तो स्त्री का दूसरा नाम साहस और सम्मान है। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूं। स्त्री की इज्जत पूरे समाज की इज्जत होती है। स्त्री की मर्यादा पूरे समाज की मर्यादा होती है। अगर किसी स्त्री के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध होता है तो इज्जत पूरे समाज की जाती है। कलंक के कटघरे में पूरा समाज खड़ा होता है। मानवता को शर्मसार करने वाले इस कुकर्म का शिकार बनी हमारी आज की मेहमान, दुख, झुंझलाहट और दर्द का जो लावा सपना भवनानी के दिल में पिछले 20 सालों से उबल रहा था, वो आज पहली बार ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला है। ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो, इस इरादे से सपना आज पहली बार खुलकर हमारे सामने आई। इनकी हिम्मत और जज्बे को हम सलाम करते हैं। आइए तो हम सब मिलकर स्वागत करते हैं इंटरनेशनल लेवल की जानी मानी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी जी। जब भी मैं अपने बाल ऐसे लहराता हूँ कॉन्सर्ट पे और बहुत हमारे फैंस सब पूछते हैं, वाओ वी लव योर हेयर, तो ये लव हेयर का मतलब भी सपना भवनानी ही है। जब मैं सोचता हूँ सपना के बारे में तो एक वर्ड डेफिनेटली दिमाग में आता है और वो है पागल। शी इज एब्सोल्युटली मैड। वो मैड दिखती है, मतलब जो बॉडी टैटू से भरे हुए है, कलरफुल, आप जब भी जाओगे उसका जो हेयर कलर है अलग है, या तो ब्लू है या तो पिंक है या तो यू नो रेड है, कुछ ना कुछ अलग है। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्त्री शक्ति के मंच पर। शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताइए आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली, आपका परिवार। बम्बई से हूँ, यहाँ ही पैदा हुई थी। जब मैं 18 साल की थी तो फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, तो मेरी मम्मी ने मुझे अमेरिका भेज दिया पढ़ाई के लिए। तो मैं वहाँ 14 साल के लिए वहाँ थी। तो वहाँ मुझे लगता है बहुत अच्छा था अमेरिका में, क्योंकि लोग यही सोचते ना कि अमेरिका भेजेंगे तो मेरी बेटी की लाइफ बन जाएगी। लोग ऐसे ज़्यादा करके यहाँ भी लोग यही सोचते हैं कि इंडिया से बेहतर बाहर जाना, विदेश जाएगी, नाम कमाएगी। करेक्ट। तो मुझे लगता है मेरी मम्मी की सोच भी वही थी। पर मैं वहाँ रह रहे के बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि सब कुछ इतना वक्त में होता है, तो फिर मैंने वेरी सिस्टमैटिक, वेरी सिस्टमैटिक, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो इंडिया वापस जाते हैं। तो अब मुझे 10 साल हो गए, मैं इंडिया वापस आ गई। सपना जी, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी आप बीती अपने मुँह से दुनिया को सुनाए। मैं आपसे वो किस्सा जानना चाहूँगी, वो हादसा जानना चाहूँगी जो आपके साथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अच्छा, ये बात बहुत करेक्ट है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। मतलब बोलने के पहले ही, मतलब मेरी ये हालत है तो मुझे मालूम नहीं मैं बोल पाऊँगी भी कि नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ। एक्चुअली ये शिकागो में हुआ था, मुझे लगता है 20 साल हो गए होंगे। और जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ मैं स्टूडेंट वीज़ा पे गई थी पढ़ाई के लिए। तो स्टूडेंट वीज़ा पे आपके पास कहाँ और काम करने की, मतलब परमिशन नहीं होती। तो फिर मैं ऐसे वैसे छोटे छोटे काम करती थी, जैसे मुझे पॉकेट मनी भी आ जाए, और क्योंकि मम्मी के पास भी इतना पैसा नहीं था, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मैं बारटेंडिंग करती थी और बार में काम करती थी। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो मुझे याद है कि वो रात क्रिसमस ईव की रात थी, और अमेरिका में क्रिसमस तो बहुत बड़ा त्यौहार होता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, ज़्यादा करके सेलिब्रेट करते हैं, पर अगर फैमिली नहीं है तो दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और उस रात मुझे काम से भी छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो
मैं इस बार में जाके अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करूँगी. तो मैंने सोचा चलो, मैं यूजली बहुत टॉम बॉय के जैसे ड्रेस करती हूँ, पर उस रात मैंने सोचा यू नो, इतनी खूबसूरत रात थी, फुल मून था और बर्फ़ गिर रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा ड्रेस पहन लेती हूँ, एक छोटा सा ड्रेस. तो मैंने आधा घंटा अपने आप पर स्पेंड किया. मैं वो तो कभी करती नहीं हूँ. लिपस्टिक डाला, लाल लिपस्टिक, हील्स, एक काली सी शॉर्ट ड्रेस, और मैं निकल पड़ी बार पे सेलिब्रेट करने. तो जब मैं वहाँ पहुँची तो माहौल बहुत अच्छा था, मेरे सब दोस्त थे. तो मैंने वाइन पी ली. तो मैंने सोचा चलो मैं घर चले जाती हूँ. मैंने अपने दोस्तों को नहीं बोला क्योंकि वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनकी इन्जॉयमेंट नहीं बिगाड़ती हूँ, तो ऐसे ही चले जाती हूँ. और अमेरिका में ये बहुत कॉमन है. मैं रात को काम भी करती थी, तो 2-3 बजे घर अकेले जाना कुछ बड़ी बात नहीं है. तो मैं निकल गई. जब बाहर आई तो बर्फ़ अब तक भी गिर रही थी, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था. तो मैंने अपने जूते भी निकाल दिए हैं और हाथ में पकड़ के झूम के मैं ऐसे ही चल रही थी. मैं टैक्सी को देख रही थी, पर क्योंकि इतनी बिजी रात थी कि टैक्सी भी सब बिजी थे, कुछ खाली कैब नहीं आ रही थी. तो मैं जैसे ही झूमती जा रही थी, मैं एक कचरे के डब्बे के वहाँ से पास हो रही थी, और वहाँ मैंने अपने पिताजी को देखा. थोड़ा हैरान हो गई थी. वो इतने अच्छे लग रहे थे, इतने मतलब एकदम जीसस के जैसे दिख रहे थे. और मैं उनको देख के एकदम मुस्कुराने लगी, और पहले हैरान थी और फिर मैं मुस्कुराने लगी उनको देख के. और उन्होंने मुझे देखा और बहुत प्यार से बोला, मेरी क्रिसमस बिल्ली. वो मुझे बिल्ली बुलाते थे. आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो. मैं भी बहुत खुश हो गई थी, और शायद वो मुझको ये कहना चाहते थे, पर मैं मतलब मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे. तो मैं थोड़ी आगे चली गई, और जैसे ही मैं आगे गई, मुझे ये देखा कि चार लड़के मेरे तरफ आ रहे थे. एक ने एक बंदूक निकाली और मेरे सर पर रख दिया, और मुझे ज़मीन पे बिठा दिया ऐसे. तो मैं ऐसे बैठ गई, और थोड़ी हैरान थी. मुझे शायद कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, यू नो. पर बंदूक यहाँ थी, तो मैं थोड़ी चुप भी हो गई, क्योंकि मैं डर भी रही थी कि ये बंदूक शायद चल जाएगी. लोग जो मुझे जानते हैं, मुझे लगता है हैरान हो गए होंगे कि मैंने कुछ फाइटिंग नहीं की, मैंने कुछ थप्पड़ नहीं मारे. मैं ऐसे ही चुपचाप वहीं बैठी रही और करती गई जो भी वो मुझे बोलते गए. मैं नो मेरे उन्होंने मेरे बाल को पकड़ा और मेरे स्किन को नोच दिया, और फिर एक ख़त्म हुआ, फिर दो ख़त्म हुआ. मैं चुपचाप बैठी रही, 3 ख़त्म हुआ. फिर वो चौथा लड़का जो आया ना, उसने एक सेकंड के लिए बहुत प्यार से मुझे छुआ, तो मुझे लगा चलो इसमें कुछ इंसानियत है मुझे लगता है. और जैसे उसने ये किया, वो दूसरे लड़के उस पर उसको छेड़ने लगे, उसे नामर्द कहने लगे कि क्या कर रहे हो, वो लड़की वहाँ बैठी है, ले लो, आपकी है, आप क्या कर रहे हो, इतने प्यार से क्यों छू रहे हो. जब उन्होंने ये कहा उसको, वो बहुत भड़क गया, और ऐसे लगा कि अब उसको कुछ करना होगा अपनी मर्दानगी जो बोलते हैं ना, प्रूव करने के लिए. तो उसने मतलब मेरे शक्ल को बहुत ज़ोर से नोचा, हाँ, और बाल को बहुत बहुत पुल किया, मतलब मेरे बैक को. मैंने सोचा कि अब तो मैं मतलब मेरी शक्ल पूरी गई, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा. और जब ख़त्म हुआ तो उसने भी मुझे ऐसे उठा के फेंक दिया ज़मीन पे, और उन्होंने यू नो चले गए.
तो थोड़े टाइम के लिए मैं वहाँ बैठी थी, मेरी आंखें बंद थी और मैंने सोचा चलो अब एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ और एटलीस्ट मैं घर जा सकती हूँ. पर ऐसा ना हुआ और मैंने 5 मिनट बाद उनकी आवाज़ सुनी और वो तीनों लड़के अब तक उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे नामर्द कहते जा रहे थे. तो वो अब बहुत ही जोश में मेरी तरफ आ रहा था. पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आँखें खोलूँ और कुछ करूँ, पर मेरा बॉडी इतना मतलब कैसे बोलूँ, थक गया था कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था. मैं ऐसे ही बैठी थी तो तब उसने आया और मेरे मेरे ड्रेस को फाड़ दिया और फिर उसने मेरा रेप किया उधर. और वो तीनों लड़के ऐसे ही ताली मार रहे थे क्योंकि बहुत मज़ा आया और वो करता गया. और मैं जितना रो रही थी वो और करता जा रहा था. तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको प्लीज़ बोल रही थी, मैं उससे भीख मांग रही थी और जितना मैं उससे भीख मांग रही थी वो और ज़्यादा करता गया. तो फिर मैंने बोला अच्छा चुप ही बैठ जाती हूँ और जो करना है आप कर लो. और मैं ऐसे ही मैं उसको जो करना था मैं ऐसे ही बैठ गया उसको करने दिया. मैंने उसे नोचा नहीं, मैंने उससे थप्पड़ नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया. और जब ख़त्म हो गया तो वहाँ छोड़ के वो भाग गए लोग. तो मैं वहीं मुझे लगता है 10 मिनट के लिए ऐसे ही बैठी रही. मेरे कपड़े बिखरे हुए, मेरे जूते बर्फ़ में लेटे हुए. 10 मिनट के लिए मैं वहीं लेटी रही कचरे के डिब्बे के वहाँ. बोल दिया आप, अच्छा लग रहा. उसके बाद फिर आप घर गई? हाँ, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं टैक्सी लूँ, पर फिर मैं मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं टैक्सी लूँगी तो मुझे देख के सोचेंगे कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ. क्योंकि मेरा शक्ल बहुत बिगड़ा हुआ था, मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे कपड़े फटे हुए थे. तो उस शर्म से मैंने सोचा चलो मैं चल के ही घर वापस जाती हूँ. तो आस्ते आस्ते मैं घर चले गई और सोचती रही कि पुलिस के पास जाऊँ, मम्मी को फ़ोन करूँ, इंडिया में अपने फ्रेंड्स को बोलूँ. और मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं थी, तो मैं पुलिस के पास जाती भी पर कहती क्या थी पता, मैं उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती. फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता कि मेरे कपड़े इतने छोटे थे, मैंने वाइन पी थी, तो शायद ये मेरा ही फॉल्ट था. और मुझे लगता है कि सोसाइटी ये कितनी बार बोलती जाती है कि कुछ हद तक आप ये सोचने लगते हो. तो मैंने किसको नहीं बोला, मैं घर गई और दरवाज़ा लॉक किया और एक घंटे के लिए एकदम अपने आप को शावर के नीचे साफ करती गई, रोती गई, करती गई. और मैंने सोचा कि इसके बाद अब मैं इसके बारे में किसको नहीं बोलूँगी. आपने 20 सालों तक इस बात को अपने अंदर दबा के रखा, फिर आपको ऐसा क्या लगा कि अब मेरे को इस बात का विरोध करना चाहिए? कैसे ताकत मिली आपको कि आज बस अभी अब बताना है सबको? इतने सालों के लिए मैं चुप थी, तो अब जब भी बात करती हूँ तो पूरा हादसा आंखों के सामने आ जाता है. तो मुझे लगता है मुझे बहुत टाइम लगेगा इसके लिए. रोना अच्छी बात होती है, इसका मतलब नहीं होता है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो. रोना चाहिए और शेयर करना चाहिए क्या क्या फील होता है. क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो दूसरी औरतें भी चुप रहेंगी और शेयर नहीं करेंगी. सही बात. तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बात यही है कि रो के कहो या ना रो के कहो या ब्रेव होके कहो, पर जैसे भी कहो पर कहो, इम्पोर्टेंट होता है. पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि अगर वो रोएंगी तो फिर लोग समझते हैं वो बहुत लाचार हैं, और वो ट्रू नहीं है बिल्कुल. उस वक्त
बहुत दर्द वाला समय था वो आपके लिए, तो आपको कुछ, आपने कुछ काउंसलिंग वगैरह, क्योंकि आपने किसी से कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो आपको लगा कि आपको कुछ काउंसलिंग लेनी चाहिए? हाँ, मैंने एक्चुअली सोचा काउंसलिंग अच्छा होगा, क्योंकि आप जानते नहीं हो उसे और वो जजमेंट नहीं लेते. पर जब मैं काउंसलर के पास गई भी बहुत सालों के लिए, उन्होंने मुझे ये मेडिसिन पे डाल दी थी कि वो उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो तो आप एक एंटी डिप्रेसेंट ले लो. तो वो दवाई ऐसे चलती है कि आपको पूरा दिन एकदम ऐसे जगा के रख देते और रात में नींद नहीं आती, तो फिर उसके लिए दूसरा दवाई लेना पड़ता है. तो मैं दिन में 7 या 8 डिफरेंट दवाई ले रही थी. तो मैंने सोचा कि मुझे ये अब मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है, तो मैंने थेरेपी छोड़ दी, मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी. ये माइंड जो है ना, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, हम महसूस नहीं करते, क्योंकि अगर आपको कुछ भी भूलना होता है ना, बहुत आसानी से कर देता है. तो मैंने यही किया कि सब कुछ यहाँ पीछे डाल दिया और सब भूल गई. तो आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जी रहे हो कि नहीं हुआ. और इसीलिए जब ये निर्भय का केस हुआ, जब मैंने सुना, तो मैंने तभी डिसाइड किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी अब ऐसे नहीं जीना कि ये नहीं हुआ, ये हुआ, और अब मुझे इसके बारे में बात करना है. आपके मन में वो गुस्सा नहीं था उन चार लोगों के लिए कि मैं? नहीं, मुझे आज भी कुछ गुस्सा नहीं है. मैं अगर वो मेरे सामने भी होते ना, मुझे सच में कुछ गुस्सा नहीं है. मुझे ये बिलीफ है कि अगर आपको जो भी करना है, अगर आपको एक चेंज लाना है ना सोसाइटी में या इस देश में, आपको एक लव एंगल से आना होगा. ये एंगर, ये फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं करता. ये इसको मतलब मुझे कुछ खुशी नहीं मिलेगी उनको जेल में देखकर, मुझे कुछ खुशी नहीं मिलेगी उनको फांसी की सज़ा मिलकर. मुझे सच में मैं उसमें बिलीव भी नहीं करती. सपना जी, आप सही में स्त्री शक्ति की मिसाल हैं, क्योंकि एक बात से मैं बहुत सहमत हूँ, बदला लेना बहुत आसान होता है, लेकिन दुनिया में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए ज़रूरत होती है माफ़ करने की, हिम्मत की, हौसले की. बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो झेलकर रह जाती हैं घर पे, कुछ बोलती ही नहीं है, डर के मारे कि मुझे गलत समझा जाएगा, मतलब वो सुसाइड करने को तैयार हो जाएंगे, मरने को तैयार हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, लेकिन खुल के सामने नहीं आएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है. क्या बोलना चाहेंगी आप? एक तो आप लाचार नहीं हो, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग होती है, और कभी कभी जब औरत चुप रहती है ना, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो लाचार है, पर उसकी भी कुछ रीज़न होती है इसलिए वो चुप है. क्योंकि अगर वो आज कुछ बोल दे तो कल मतलब उसका पति उसको छोड़ देगा, उसके पेरेंट्स उसको घर में नहीं लेंगे, तो वो जाएगी तो जाएगी कहाँ? तो बहुत रीजंस होते हैं अगर एक औरत चुप भी रहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ फन होता है कि रोज हस्बैंड की मारपीट खाने के लिए, पर वो सह लेती है. सपना जी, इस हादसे की शिकार जो महिलाएं होती हैं उन पर डबल प्रेशर होता है. एक तो उन्होंने ये हादसा झेला होता है, और दूसरा उनके परिवार का सपोर्ट नहीं होता है. वो बताएंगी तो उनको लगता है कि पता नहीं परिवार वाले क्या करेंगे, बदनामी होगी, दुनिया में कैसे मुंह दिखाऊंगी, क्या करूंगी मैं, बस ये सोचकर वो छुपाती रहती हैं बातों को. तो परिवार वालों की सोच के लिए, उस सोच को बदलने के लिए आप क्या कहोगे? मेरे साथ तो यही हुआ था, क्योंकि मैंने अपने परिवार को नहीं बताया था, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनको फ़ोन पे बताया, क्योंकि मैं लंदन में थी. वो चुप थी फ़ोन पे थोड़े टाइम के लिए, और फिर उन्होंने वही कहा जो हर एक इंडियन पेरेंट कहता है, कि उन्होंने बोला कि आपको ज़रूरत क्या है दुनिया को जाके अपनी स्टोरी बताने की, आप चुप क्यों नहीं रह जाते, हमारी नाक कट जाएगी. तो मेरी मम्मी ने भी यही कहा मुझे, और मुझे यही लगता है कि अगर मैं भी चुप हो गई और हम सब चुप ही रहते जाए, हम चेंज कैसे ला पाएंगे. यही मुझे बहुत सताता था, ये थॉट कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी, तो अगर हम सब ऐसे ही सोचेंगे तो हम चेंज कैसे लाएंगे. तो जब मेरी मम्मी ने भी मुझे यही कहा, मैंने बोला कि मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ,
और मेरी माँ ने बचपन से ही ना मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग वुमन के जैसे बड़ा किया. हमेशा मुझे यही बोला कि अगर आप किस में बिलीव करते हैं तो आपको हमेशा वो करना चाहिए. आपने मुझे ऐसे पाला है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो मैंने उनको यही बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ और क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ मैं जाके सबको मेरी कहानी बताऊँगी. और मुझे लगता है इस हद तक हर एक माँ बाप यही चाहता है कि अपनी बेटी को खुश रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी ऑनेस्टली जीना चाहिए. सही बात है. और उनको ये कहा ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो अगर ये उसके साथ हुआ है कि ये उसका फॉल्ट नहीं है. ये पेरेंट्स को मतलब मैं कैसे बोलूँ कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते ना तो दुनिया कैसे एक्सेप्ट कैसे करेगी. सही बात. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको मतलब अपनी बेटी का साथ देना चाहिए. अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा बदलाव लाना चाहती हूँ कि ये रेप एकदम बंद हो जाए, ये भी मतलब नामुमकिन होगा क्योंकि ये कभी चले नहीं जाएगा. ये भी मैं जानती हूँ. पर अगर हम कोशिश नहीं करें तो फिर हम अपने औरतों को एजुकेट भी नहीं कर सकते, हम अपने मर्द को एजुकेट नहीं कर सकते. वो बहुत इम्पोर्टेंट वो होता है. तो मेरे हिसाब से अगर आप ये शो अगर आप देख रहे हो और मेरी बातों के बाद अगर आपको रेपिस्ट के लिए अगर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं है. मेरा मकसद है कि जो सर्वाइवर्स हैं उनको प्यार की ज़रूरत है. जी बिल्कुल सही बात है. और उन्हें हम क्या कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकें. आप एक इंटरनेशनल लेवल की हेयर स्टाइलिस्ट हैं. आपने अपने प्रोफेशन की शुरुआत कैसे की? एक्चुअली मुझे बाल के साथ खेलने से बचपन से ही बहुत शौक़ था. पर जब मैं अमेरिका गई तो बहुत वहाँ के हेयर स्टाइलिस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही बाल काट देती हूँ अपने. तो वहाँ से मैंने शुरू किया. पर जैसे औरतें बुर्का पहनती है या हिजाब पहनती है और उसके जितना भी लोग बोलते हैं ये गलत बात है, पर मैं बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो खुद से पहनना चाहती हैं वो, क्योंकि वो खुद बहुत सेफ़ फील करती है इसके पीछे. तो मेरा एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न हेयर स्टाइलिस्ट बनने का था कि मुझे भी ऐसे कुछ काटना था एक औरत के लिए जिसके पीछे वो छुप सके. तो वो मेरी सबसे बड़ी रीज़न थी एक्चुअली हेयर स्टाइलिस्ट बनने की. पहले मैंने अपने आप पर ट्राई किया और जो भी देखता था बोलता था अरे मुझे भी ये चाहिए. तो ऐसे करते करते मैं एक स्टाइल बन गया. स्टाइल बन गया और मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन गई. तो उसके आगे आप कैसे बढ़ी, आपने इसको अपना प्रोफेशन कैसे चुना? जब मैं इंडिया में आई तो मैं सोच रही थी मैं अभी करूँ क्या अपने करियर के साथ. और मैंने एक नौकरी ले ली जो मुझे 5,000 महीना देती थी और मुझे उससे बहुत खुशी आई, क्योंकि मैं पहले अमेरिका में उससे बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रही थी. पर उससे इतनी खुशी नहीं आई जितना वापस आके वो 5,000 पे चेक से देख के ओके अब मैं इससे क्या खा सकती हूँ और क्या नहीं खा सकती हूँ. तो मैंने वापस ऐसे चालू किया. ये इतना भरोसा मेरे पर है कि आप मुझे जहाँ भी छोड़ दो ना मैं आप अपनी हस्ती वहीं से बना लेती. हाँ वहाँ. फिर जब आप यहाँ शिफ्ट हो गई, इंडिया शिफ्ट हो गई, तो यहाँ पे आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? जब मैं यहाँ आई तो मैं बहुत मेरे बदन पे बहुत टैटूज थे और मेरे बाल भी सफ़ेद कलर के थे. तो मुझे लगता है कि मीडिया ने जब मुझे देखा तो वही खुद हैरान हो गई कि ये है क्या. तो कहाँ से आई? हाँ मतलब कहाँ से आई. तो इस हिसाब से उन्होंने सोचा चलो इसको हर एक बार में डाल देते हैं. और मैं फेमस हो गई. तो मैं फेमस हो गई हेयर स्टाइलिंग के लिए नहीं, पर ज़्यादा करके क्योंकि मैं ऐसे दिखती थी. और फिर लोगों को पता चला अच्छा ये बाल भी काटती है. तो ऐसे मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसे फेमस हो गई. फिर लोगों ने जब मेरा काम देखा और बोला अच्छा ओके चलो इसमें थोड़ी टैलेंट भी है तो ठीक है.
अच्छा कोई मजेदार किस्सा बताइए ना, जब आपको किसी ने देखा हो और कोई कोई ऐसा मजाकिया सा कोई आपके लुक्स की वजह से कोई रिएक्शन हुआ हो। हाँ मतलब तो एक दिन मुझे एक फ़ोन आया और एक मैनेजर थे और उन्होंने बोला कि हमारे क्लाइंट जो है एक क्रिकेटर MS धोनी चाहते हैं कि आप उनके बाल करें। अब मैं क्रिकेट तो कभी देखती नहीं थी तो अभी ये MS धोनी कौन है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा। तो मैं बोला अच्छा चलो गूगल करती हूँ। तो मैंने गूगल किया और देखा अरे ये तो मतलब समथिंग हाँ कुछ है पर उनके बाल बहुत गंदे थे, मतलब ऑरेंज कलर के लंबे स्ट्रेटेंड बाल। मैं बोला ओके चलो। तो मुझे याद भी है कि होली का दिन था और उन्होंने बोला कि आप ताज पहुँचाइए खुलाबा, क्योंकि पूरी इंडियन क्रिकेट टीम वहाँ ही है तो हम वहाँ ही काम कर सकते हैं। तो मैं बोला ओके फाइन। तो मैं गई और मैं लॉबी में ऐसे खड़ी थी और वेट करी थी उनके लिए। तो मैनेजर और MS धोनी ऐसे आए और 5 मिनट के लिए मैं उनके बाल को देख रही थी कि ओ माय गॉड, और वो मुझे देख रहे थे कि ये है क्या। 5 मिनट के लिए हमने कुछ बातें की नहीं, मुझे लगता हम ऐसे ही देख रहे थे एक दूसरे को। ओके फिर फाइनली हम लोग ने बोला ओके हाय सपना, ओके महेंद्र व्हाटएवर। और मैं बोला चलो काम चालू करते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे अपने बाल ऐसे ही लंबे ही रखने हैं तो और कुछ क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला अच्छा ये ऑरेंज कलर जो है आपके बाल वो काले कर देते हैं, वहाँ से चालू करते हैं। तो वो उन्होंने बोला हाँ चलो ये करते हैं। और वो मतलब एक छोटे से बच्चे के जैसे ना ऐसे ही बैठे और मैं काम कर रही थी और वो शीशे में ऐसे ही देख रहे थे ये क्या करने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब 2-3 घंटे गए, मैंने उनका बाल कलर किया, ये हो गया वो हो गया और बस उनका लुक चेंज। ओके थैंक यू और भाग गए। मतलब कैसे भागे मैं ही जानती हूँ। सपना, हमने आपके बारे में आपके बॉलीवुड के दोस्तों से कुछ पूछा और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बोली है। अच्छा? देखते हैं। सपना को तो मैं अगर एक शब्द में बोलना चाहूं तो मैं सपना का नाम रखता हूं डिविनिटी, और डिविनिटी का मतलब होता है दिव्य, अलौकिक। उसके अंदर एक आर्टिस्ट है और वो आर्टिस्टिक सोल ही उसकी मुझे लगता है स्ट्रेंथ है सपना की। सपना भवनानी संसार में जो दिखती है वो वैसी है नहीं, और वह उसके असली रूप को मैं देख पाता हूँ। इसलिए मैं पहले ही दिन से बस इतना ही बोलता हूँ, सपना आई लव यू। सपना भवनानी को आप पहले एक शब्द में तो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। शी इज़ उसके अंदर इतने सारे चीज़ें, इतने सारे क्वालिटीज़ है, तो एक शब्द से उसे उनके बारे में या उनको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होगा। सपना इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल गर्ल एंड गॉट सम वेरी गुड क्वालिटीज़ इन हर। सपना को मैं केवल आश्चर्यजनक ही बोल सकता हूँ। पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो यही है। जब मैं सपना के बारे में सोचती हूँ, आई थिंक ऑफ समवन हु इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड लाइफ, एंड शी इज़ अ फ्री स्पिरिट, अ फ्री सोल। उसके मन में जो है वो बोल देती है। शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड आई लव दैट क्वालिटी अबाउट हर। अनाथ बच्चों को गोद लेने की बात तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी इंसान ने एक पूरे गांव को गोद ले लिया हो? हैरान हो गए ना आप ये सुनकर। सपना ने ऐसा ही किया है। इस अनोखे तरह के समाज कल्याण के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्त्री शक्ति आपको जानकर हैरानी होगी कि सपना ने एक पूरे गांव को गोद लिया है। आइए सपना से इस अनोखे कदम के बारे में बात करते हैं। आपके बारे में हमने सुना है कि आपने एक गांव को गोद ले लिया है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन क्या है और ऐसा आपके दिमाग में आया कैसे? एक आदिवासी विलेज है तो और वहाँ के बच्चे जो है इतने प्यारे हैं और सब मुझे मतलब ऐसे देखते हैं कि इतने प्यार से देखते हैं कि मैंने सोचा कि ये सब बच्चे अब मेरे हैं। तो और मैंने यही सोचा कि ये आइडिया इतना अच्छा होगा कि मैं ये विलेज को
अडॉप्ट कर लो, पूरे गांव को ही अडॉप्ट कर लो। हाँ हाँ, अब एक काम करते हैं, चलिए इनको लेकर इनके गांव ही चलते हैं। मेरे गांव का नाम पालेगांव है। मैं यहाँ 1.5 साल पहले मैंने यहाँ एक घर खरीदा था और फिर मैंने सोचा कि मैं वो शहर की औरत नहीं बनना चाहती थी यहाँ की, मुझे गांव में जाना है और जो वो करते हैं वैसा ही रखना था, पर खाली थोड़ा अच्छा बनाना था। तो ये मेरा आइडिया था, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं फील आना चाहिए था कि मैं अपने शहर को गांव में ला रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये उनका गांव है, मैं उनकी मेहमान हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं उनके गांव के जो भी चीज़ है उसको थोड़ा अच्छा कर सकती हूँ। तो आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। जब मैंने आंगनवाड़ी को देखा तो मैंने देखा कि थी आंगनवाड़ी, पर मतलब उसका हालत थोड़ा बिगड़ा हुआ था। तो वहाँ से हमने काम चालू किया। पहले मैं मैडम को गांव दिखाने के लिए आया था, तो उन्होंने मुझे पूछा ये क्या है, तो मैंने बोला आंगनवाड़ी है, तो उन्होंने बोला देखते हैं अंदर। अंदर वो आई तो उधर कुछ अच्छी कंडीशन नहीं थी उसकी, वो दीवार पे क्रैशेज पड़े थे और वो बच्चे नीचे बैठे थे। मैं फेसबुक पे गई और मैंने एक स्टेटस रख दिया, मैंने ये गांव को अडॉप्ट कर लिया, अब ये मेरा गांव है, ये मेरा बच्चा है और अब ये बच्चे को बड़े करने के लिए मुझे स्कूल के लिए मदद चाहिए। तो मुझे जो भी चाहिए था मैंने वहाँ एक लंबे लिस्ट में लिख दिया। मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 2 घंटे में सब कुछ हो गया था। सेकेंड वुमेन्स सेंटर खोलेंगे। कुछ लड़कियाँ यहाँ बैठे थे घर में, कुछ काम ही नहीं था उनको, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको ब्लाउज सिखाऊँ, मशीन क्लास चालू करूँ। मैडम मुझे आके भी वो बोली ना तुमको कुछ चाहेगा, मैंने बोला कि मुझे मशीन खरीद कर दे दो, मैं इन लड़कियों को सिखाऊंगी। ये भी ना मैंने फेसबुक में स्टेटस डाल दिया और 10 मिनट में एक ही आदमी ने मुझे फुल पैसा दे दिया 5 मशीन के। सपना, अभी हमने देखा लोग आपको कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कैसा लगता है आपको? लोग समझते हैं कि गांव के लोग ना बहुत बैकवर्ड होते हैं, ये शहर के लोग जो है ना ये हमेशा ऐसे सोचते हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं और ये बहुत बैकवर्ड होते हैं, और हमारा काम ये है कि वहाँ जाके उनको एजुकेट करना। जब मैं ये पहले गांव में गई थी ना ज्वाहर, वो भी महाराष्ट्र में है, वहाँ ये औरतें जो थी फुल सेटअप करे थी अपना सोइंग मशीन और ये सब, पर वहाँ मैंने एक आदमी से मैंने बात की थी और उसने मुझे एक ये जो सेंटेंस कहा ना, वो ज़्यादा एजुकेटेड है हम शहर वालों से और वो ज़्यादा जानते हैं, जो हम उनको इतना क्रेडिट भी नहीं देते हैं। क्या सेंटेंस था वो? उन्होंने मुझे यही बोला कि सपना जी, मेरा जो भी पावर है ना, जो भी मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे मेरी औरत से मिलती है, मेरी बीवी से मिलती है, तो अगर मैं उसको एम्पावर करूँगा तो इमेजिन मुझे कितनी और शक्ति मिलेगी। बात है, मतलब मैंने ऐसा कभी सुना ही नहीं था। मतलब मैं अमेरिका में रह चुकी हूँ, इंडिया में रह चुकी हूँ, इंडिया में बहुत मतलब वर्ल्ड वाइड सब जगह गई हूँ, पर मैंने ऐसी लाइन कभी सुनी ही नहीं थी और इतनी स्ट्रॉन्ग है वो सेंटिमेंट। और मैं ना एक्चुअली जब मैंने ये सुना मैं रो पड़ी, मैं एकदम हैरान हो गई कि उसने ऐसा कुछ बोला और उसकी बीवी वहाँ खड़ी थी और इतनी शर्म से वो भी हंसने लगी। तो इतना भरोसा दे दिया कि वो आदमी ने मुझे, कि उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मैं हर एक गाँव में जाऊँगी। तो फिर ये पालेगांव मेरा सेकंड गांव था और जब अब तो यहाँ मेरा घर भी है, तो जब भी मैं वहाँ जाती हूँ और ये बच्चों के साथ खेलती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है ना कि मैं आई स्वेयर नो मनी इन द वर्ल्ड कैन इवन बाय दैट। इट्स सो नाइस टू फील। सपना, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। yeah. आपने जो सपना देखा है वो ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस हैं, दर्शकगण,
आप लोगों के मन में भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप सपना से पूछना चाहते होंगे. आप लोग प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कीजिए जो जो आप बात करना चाहते हैं. आप जी ज़रूर पूछिए. कई बार रैपिस्ट एज अंडर के लड़के होते हैं और वो भी बहुत अच्छे परिवारों से होते हैं, तो आपके हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ है, उनकी मानसिकता में या फिर उनकी अपब्रिंगिंग में? शिक्षा हमेशा बच्चों जब आप इतने छोटे हो ना वहाँ से शुरू होती है. और हम एक्चुअली यही सोचते हैं कि अरे बच्चा है उनको कुछ समझ में नहीं आता, पर एक्चुअली ये जो छोटी उम्र जो होती है ना दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. आप जो भी बच्चों के मन में डालेंगे वो ऐसे ही बड़े होते हैं. तो अपब्रिंगिंग बहुत ज़रूरी होती है और हर एक पेरेंट को यही सोचना चाहिए कि लड़की हो या लड़का उनकी अपब्रिंगिंग छोटी उम्र से ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है. कोई और दर्शक हैं जिनके मन में कोई सवाल है? जी हेलो सपना जी. हाय. हमारे देश में कई छोटे शहर और गांव हैं जिसमें आज भी सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पे लोग हिचकिचा के बात करते हैं. लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है. आई थिंक सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल लोग समझते हैं कि अगर किसको सेक्स एजुकेशन देंगे तो मतलब हम सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं. ये भी मतलब इतना बैकवर्ड थॉट है कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए. कि ये भी बोलते हैं ना लोग कि अगर हम कॉन्डम के बारे में बात करते तो हम बोल रहे हैं कि आपको सेक्स करना चाहिए. आई मीन ये बहुत बैकवर्ड थॉट है. हम अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे क्या गलत है या क्या सही है. एक्चुअली क्या हो रहा है कि पेरेंट्स भी बहुत सेपरेटेड हो जाते हैं बच्चे से और वो इतना डरने लगते हैं पेरेंट्स से. तो अगर सेक्सुअल वायलेंस जो बच्चों के साथ बहुत कॉमन है बाय द वे इंडिया में, पर उनको इतना डर लगता है कि वो पेरेंट्स के साथ जाके ये बात भी नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमने बच्चों के साथ वो कम्युनिकेशन जो होता है ना खोल देना चाहिए, वो चैनल अब खुल के बात करना चाहिए. बच्चे के साथ कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो तो एटलीस्ट वो आके बताए तो सही. हाँ, और उनको ये भी बताना चाहिए कि ये अच्छा होता है और ये गलत होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कई बार अगर बच्चा शुरू में ही बता दे तो वो हादसे को रोक भी सकते हैं, वो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. देश में राखी की लाज रखने के लिए भाई अपनी बहन के लिए कुर्बान हो जाते हैं, उसी देश का एक घिनौना सच ये भी है कि कुछ मर्द औरतों को अपनी हवस मिटाने का जरिया समझते हैं. इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने और इस बीमार मानसिकता का इलाज करना ही हमारे आज के एपिसोड का मकसद है. वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति. रेप सर्वाइवर तभी रेप फाइटर बन सकती है जब वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार ना माने और इस हादसे को अपने जीवन का अंत ना माने. सपना, आप खुद एक रेप सर्वाइवर और फाइटर हैं, तो आप उन महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी तरह जिन्होंने ये हादसा सहा है? आपने इस औरत के बारे में सुना है, संपत पाल, गुलाबी गैंग की लीडर है? जी जी हाँ. सुना है. तो जब मैं ये रियलिटी शो में थी संपत पाल भी मेरे साथ थे और उन्होंने ये एक गाना लिखा था और वो बहुत ये गाना बहुत गाती थी ये घर में. और ये गाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोज़ जब मैं उठती हूँ मैं ये गाना गाती हूँ और उनके बारे में बहुत सोचती हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी रोल मॉडल है. और वो नाचती थी घर में और वो कहती थी, पर लगा लिए हैं हमने, पर लगा लिए हैं हमने, तो पिंजरे में कौन बैठेगा, तो पिंजरे में कौन बैठेगा, हर सुनियो. तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, पर लगा लो और उड़ जाओ. सिंपल. क्या बात है. आपके इस हौसले को देखकर आपको सलाम करने का मन. आए सलाम. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हमारे देश में बलात्कार के सभी मामलों में सिर्फ 10% केसेस दर्ज होते हैं, जबकि 90% केसेस पुलिस, समाज या परिवार के दबाव या डर से दबा दिए जाते हैं और पीड़ित अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीने पर
मजबूर हो जाती है। पर परी की मां ने न सिर्फ दोषियों के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि जीत भी हासिल की। हमारे खानदान में 3 पीढ़ियों तक किसी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मेरी पिटिया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती है ये सोचकर बड़ा सुकून होता था मुझे। मैं उसे स्कूल में छोड़ने जाती थी ना, तब स्कूल की छुट्टी होने तक गेट के पास बैठी रहती थी। लेकिन उस मनहूस दिन पर मुझे स्कूल में पहुंचने में बहुत देर हो गई। मैंने देखा मेरी परी जैसे बहुत देर से रो रही थी। उसके कपड़े भी मैले हुए थे, खराब हो गए थे, बाल बिखरे बिखरे हुए थे। मुझे लगा कि मुझे पहुंचने में देर हो गई, इसलिए शायद घबरा कर बच्ची रोई होगी। ये कैसे कि वो 4 साल की बच्ची के ऊपर स्कूल में वॉचमैन ने बलात्कार किया था, और जब भी वो माँ पुलिस थाने में गई थी तो उसका कंप्लेंट पुलिस ने लिया ही नहीं। 2-3 दिन ऐसे ही चले गया। उसके बाद में माँ साइन हॉस्पिटल में उसको लेकर गए, बच्ची को पब्लिक हॉस्पिटल में। तभी उधर पता चला कि सेक्सुअल वायलेंस बलात्कार बच्चे के ऊपर हुआ है। घर वाले भी साथ नहीं दे रहे थे, लोग ताने देते रहे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मजलिस वालों के साथ मैंने अपनी बच्ची के लिए लड़ाई जारी रखी। वो केस जज साहब ने पेपर में सुना तो हमने कांटेक्ट किया ये औरत को कि क्या उसका क्या हाल है, क्या क्या उसको ज़रूरी चाहिए। तो वो अपना बच्चे के साथ हमारे पास आई। उसके बाद में हमने उसको पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस दिया। और जब भी बच्चे को 4 साल का बच्चे को बयान देने का टाइम आया था, उसको एक्यूज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कोर्ट में, और उसके बाद में वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है बच्चे का। तो वो टाइम हमारा मेन रोल ऐसा था कि कानून में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, कोर्ट ने वो पालन करना चाहिए। तो जब भी हमने ये पॉइंट आउट किया जज को कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये ज़रूरी है, तो वो जज भी बहुत अच्छा थी और पूरा जज का भी कोऑपरेशन मिला। बेल नहीं मिला आदमी को, उसने बहुत कोशिश किया लेकिन उसको बेल नहीं मिला। और ये स्कूल का प्रिंसिपल ने, स्कूल का ट्रस्ट ने बहुत ही मशहूर क्रिमिनल लॉयर को अपॉइंट किया था केस में। जब भी उस कोर्ट में गया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होने का टाइम होगा, क्योंकि वो 2 साल के बाद आया। जब भी बच्ची 4 साल की थी, अभी 6 साल की हो गई, और उसको कितना याद है कितना याद नहीं है, वो FIR वो फिरियाद में कंप्लेन में क्या लिखा है, और अभी उस बच्चे को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, और माँ को, माँ ने क्या बोला, बच्चे ने क्या बोला, उसका पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। स्लोली उसका केस आगे गया, और बाद में 2 साल के बाद पूरा कन्विक्शन हुआ। 7 साल की सज़ा हुई वॉचमैन को। 2 साल बाद ही सही, पर मेरी परी को इंसाफ मिला। मैं मेरी परी को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी बनाना चाहती हूँ, यही तो एक सपना है मेरा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, पर पहल आपको करनी होगी, अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। आपकी आवाज देश और समाज को एक नई दिशा दे सकती है। सपना, आज आपको स्त्री शक्ति के मंच पर लाखों करोड़ों महिलाएं देख रही हैं, हमारा पूरा देश देख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी महिलाओं से? मालूम है, जब मैं पहले आई थी अब शो के बिगिनिंग में, मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद मैं अपनी बात ना कह सकूं, और मेरी मम्मी देख रही होगी ये शो और शायद मुझे कहना चाहिए या ना कहना चाहिए। पर अब जब मैंने बोल दिया है, मुझे इतना सुकून मिल गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको बोलना चाहिए। बोलने के बाद जो सुकून मिलता है, मैं वर्ड्स में कह भी नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और एक और लाइन है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, बुले शाह का लाइन है, और वो कहते हैं कि जो ना जाने हक की ताकत, रब ना देवे उसको हिम्मत। सपना, आप यहाँ आए हमारे साथ, आपने अपनी अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी आप बीती हमें सुनाई, महिलाओं को बताया कि चुप नहीं रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान आपके सारे सपनों को साकार करे, आप सबके लिए जो करना चाहती हैं। और यूं ही
आप खुश रहें और खुशी का जरिया बनती जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वक्त हो रहा है जाने का। जाने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे उस लकी विनर का नाम जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड के सवाल का सही जवाब देकर आज एक गिफ्ट हैम्पर जीता है। सुधा पटेल इस वक्त पतंजलि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चला रही है और विजेता है भानु प्रताप उत्तर प्रदेश से। हमारा आज का सवाल है, सपना ने जिस गांव को गोद लिया है यानी अडॉप्ट किया है उस गांव का नाम क्या है। स्त्री की महानता उसकी उदारता में है, स्त्री की हिम्मत मुश्किलों से लड़ने की उसकी फितरत में है। न डरेगी न सहमेगी न मिटने देगी अपनी हस्ती, सम्मान पर आंच आएगी तो टकराएगी स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति की एक ऐसी ही मिसाल सपना भवनानी ने दी है। अगले एपिसोड में एक बार फिर मैं समीक्षा हाजिर होंगी हिम्मत की एक और दास्तान एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। शुभरात्रि। मेरे पिताजी ने जिस दिन मेरे माँ को जाला था तो वहाँ पे वो गया और उसमें मुझे जिंदा गाड़ दिया और जिंदा गाड़ने के बाद वो भागने लगा तो मेरे नाना जी की नज़र वो दौड़ता है उस पर पड़ गई। तो मेरे नाना जी ने थोड़ा ढूंढने की कोशिश की तो वो खड्डे में अब भी माती निकाली थी, ताजापन था उसमें और दो उंगलियां ऊपर दिख रही थी। उनके पेट में क्या अब मालूम नहीं, उन्होंने वो खड्डा निकाले तो उसमें मैं थी।